मोहनगढ़ तहसील में शाम 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक मोहनगढ़ थाना प्रभारी भारती जाट ने पुलिस बल के साथ नगर में फ्लैग मार्च निकाला। कोरोना वायरस COVID-19 की विकरलता को देखते हुए टीकमगढ़ न्यायालय द्वारा टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष द्विवेदी के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि संपूर्ण टीकमगढ़ जिले में दिनांक 31 जुलाई शाम 6 बजे से 4 अगस्त तक पूरे जिले में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जिसका पालन कराने हेतु आज शाम 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक संपूर्ण मोहनगढ़ में मोहनगढ़ थाना प्रभारी DSP भारती जाट ने अपने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च करते हुए लोगों को जानकारी दी। कोरोना महामारी की विकरलता को देखते हुए जिला प्रशासन ने 31 जुलाई से 4 अगस्त तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। अगर कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करते पाया गया या बेवजह सड़कों पर घूमता पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मोहनगढ़ से कैमरामैन अनुराग सेन के साथ अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। सर, आज किस संबंध में मोहनगढ़ ग्राम में पुलिस का फ्लैग मार्च निकाला? वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में और दिशा निर्देशन में और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार मुझे सूचित करने के लिए कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश निकाला है कि 21 जुलाई 2020 के रात 8 बजे से लेकर 4 अगस्त 2020 रात 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस बीच टीकमगढ़ समस्त टीकमगढ़ जिले में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। सारे बाजार बंद रहेंगे। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से गलियों में नहीं घूमेगा। यदि वो गलियों में अनावश्यक रूप से घूमता हुआ पाया जाता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेशों के उल्लंघन में कानूनी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाएगी। ये लोगों को सूचना देने के लिए हमने आज फ्लैग मार्च निकाला है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।